एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन जनरल नाम कमाने के लिए, काम पाने के लिए एक चीज़ आपके पास होनी ही चाहिए, और वो चीज़ है कनेक्शंस, राइट? आपके पास टैलेंट 19-20 हो तो चलता है, आपके पास लुक्स 19-20 हो तो चलता है, आप हार्डवर्किंग उतने ज़्यादा ना हो, उतने सिंसियर ना हो तो भी चलता है, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास कनेक्शंस नहीं हैं तो फिर आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं हो सकता, राइट? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कहावत है कि राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एंड तभी आपके करियर को सही पुश मिल सकता है, तभी आपके करियर को एक लॉन्जिटिविटी मिल सकती है। इसका एक प्राइम एग्जांपल है अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल, मिलिंद सोमान एंड जॉन अब्राहम को लास्ट ट्रायो ऑफ सुपर मॉडल्स कहा जाता है, जो फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले सुपर मॉडल्स थे, और उसके बाद वो लोग फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई किए और थोड़ी बहुत फिल्में कर पाए, अर्जुन रामपाल भी, मिलिंद सोमान भी और जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम ऑल्दो एक सुपरस्टार बन गए, एक स्टार बन गए, बट मिलिंद सोमान और अर्जुन रामपाल इतने बड़े स्टार नहीं बन पाए, राइट? तीनों लोग 2001-2002 में फिल्मों में स्ट्रगल करना शुरू कर दिए थे, एंड अर्जुन रामपाल को जिस फिल्म से स्टारडम मिली वो फिल्म थी आंखें, जो परेश रावल, अक्षय कुमार, अर्जुन रामपाल और अमिताभ बच्चन की फिल्म है, इसकी बहुत कमाल की स्क्रिप्ट भी है, तीन अंधे बैंक लूटने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अर्जुन ने मल्टीपल अदर फिल्म्स की, दिल है तुम्हारा, दिल का रिश्ता, असंभव, ऐलान, यकीन, कुछ फिल्म्स अच्छी थीं, कुछ फिल्म्स बुरी थीं, कुछ फिल्में बड़े स्टार्स थे, कुछ फिल्में बड़े स्टार्स नहीं थे, कुछ फिल्म्स आई तो अच्छा लगा, कुछ फिल्म्स आई तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा, एंड ये सारी चीज़ें चलती गई। अर्जुन रामपाल को उतनी ज़्यादा प्रसिद्धि, उतना ज़्यादा एक रिकग्निशन नहीं मिला। उसके बाद 2005 में अर्जुन रामपाल करण जौहर की एक पार्टी में थे, एंड वहाँ पे अर्जुन की मुलाकात शाहरुख खान से हुई, एंड दे स्ट्रक अ कॉर्ड, राइट? दोनों के बीच में अच्छा तालमेल बैठा, दोनों लोग आगे टच में रहे, फोन पे बातचीत करते रहे, सोशल गैदरिंग्स में साथ में ड्रिंक करते रहे, एंड दे फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जब अर्जुन रामपाल शाहरुख खान के बहुत अच्छे दोस्त बन गए 2005-2006 में, तो अर्जुन रामपाल शाहरुख के हर इवेंट्स पे दिखने लगे। उनके घर मन्नत पे कोई भी कार्यक्रम होता था तो अर्जुन रामपाल वहाँ पे जाते ही थे। शाहरुख की कोई भी फिल्म होती थी तो अर्जुन मोर और लेस उसमें किसी ना किसी काइंड का रोल भी करते थे, एंड कोलकाता नाइट राइडर्स, जो शाहरुख की आईपीएल टीम है, उसके डेब्यू मैच में और उसके मल्टीपल अदर मैचेस में शाहरुख खान के साथ अर्जुन रामपाल बैठ के टीम को चीयर करते हुए भी दिखे हैं। जब शुरू शुरू में इनकी दोस्ती हुई तो फिल्म एक थी कभी अलविदा ना कहना, जिसमें एक बहुत छोटा सा कैमियो है अर्जुन रामपाल का, बट वो कैमियो अर्जुन रामपाल को शाहरुख खान ने दिलाया था करण जौहर से बात करके। इसके पहले अर्जुन रामपाल ने कभी भी किसी भी वे में करण जौहर की फिल्म में काम नहीं किया था, और करण जौहर ने कभी अर्जुन रामपाल की कोई फिल्म भी नहीं देखी थी, और अर्जुन रामपाल के काम के ऐसे कुछ पसंद भी नहीं किया था कि वो कभी अलविदा ना कहना में उनको कास्ट करें। बट स्टिल वो प्रीति जिंटा के बॉस का जो एक छोटा सा रोल है, वो शाहरुख ने अर्जुन रामपाल को ही दिलवाया करण जौहर को बोल के। उसके बाद फरहान अख्तर की फिल्म जो डॉन थी, जो शाहरुख ने की थी, अमिताभ बच्चन की फिल्म की रीमेक, उस फिल्म में भी जसजीत का जो रोल है वो शाहरुख ने फरहान को बोल के अर्जुन रामपाल को ही दिलवाया। उसके बाद शाहरुख की होम प्रोडक्शन की फिल्म आई ओम शांति ओम, जिसका मेन एंटेगनिस्ट है, जिसका मेन विलन था मुकेश, जिसका नाम माइक भी था फिल्म में, मुकेश मेहरा, उसको मेन एंटेगनिस्ट अर्जुन रामपाल को बनाया। ऑल्दो अर्जुन रामपाल ने कोई बहुत अच्छे विलन का रोल नहीं किया है, ना ही अर्जुन रामपाल एक विलन है, बट फिर भी दोस्ती के थ्रू ओम शांति ओम अर्जुन रामपाल ने लैंड की। उसके बाद फरहान अख्तर के साथ शाहरुख ने रिकमेंड किया फरहान को कि ही मस्ट कास्ट अर्जुन इन हिज फिल्म्स, एंड अर्जुन को फरहान ने रॉक ऑन में कास्ट किया, जो फरहान की भी डेब्यू फिल्म थी, एंड फॉर दैट फिल्म अर्जुन वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। उसके बाद एक्सएल की एक और फिल्म थी EMI, उसमें भी फरहान अख्तर की प्रोडक्शन हाउस के अंडर फिल्म थी, उसमें भी अर्जुन रामपाल थे। उसके बाद एक फिल्म आई वी आर फैमिली, जो करण जौहर ने लिटरली अर्जुन रामपाल के लिए बनाई अंडर धर्मा प्रोडक्शंस, जिसमें अर्जुन रामपाल के अंदर दो टॉप की हीरोइंस थी, करीना कपूर खान एंड काजोल देवगन, राइट? एंड करण जौहर ने अपने होम प्रोडक्शन के अंदर अर्जुन रामपाल को एक लीड रोल में कास्ट किया। उसके बाद फिल्म आई हीरोइन, जो अगेन शाहरुख के दोस्त मधुर भंडारकर की थी, उसमें शाहरुख ने करीना को स्पेशली बोल करके अर्जुन को कास्ट करवाया आर्यन खन्ना के रोल में, एंड उसके साथ ही साथ शाहरुख के करियर की जो सबसे एम्बिशियस फिल्म थी रावण, राइट? जो शाहरुख ने बहुत जान से, बहुत मेहनत से बनाने की कोशिश की थी, उस फिल्म में भी जो फिल्म का मेन टाइटल रोल है रावण का, वो अर्जुन रामपाल ने निभाया था, फिल्म का मेन विलन का रोल भी अर्जुन रामपाल ने ही निभाया था, राइट? तो शाहरुख से दोस्ती के पहले अर्जुन ने जो फिल्म्स की वो शायद हमें याद भी नहीं है, आंखों के अलावा, बट शाहरुख से दोस्ती के बाद जो अर्जुन को फिल्म्स लैंड हुई, कभी अलविदा ना कहना, करण जौहर के प्रोडक्शन की, डॉन, एक्सेलेंट ट्रीटमेंट, फरहान अख्तर के प्रोडक्शन की, ओम शांति ओम, शाहरुख
खान के प्रोडक्शन के अंडर की, रॉक ऑन फरहान अख्तर के प्रोडक्शन की, EMI फरहान अख्तर के प्रोडक्शन की, राइट, वी आर फैमिली जिसमें अर्जुन रामर का लीड रोल विद करीना एंड काजल, करण जौहर के प्रोडक्शन की, हीरोइन मधुर भंडारकर की फिल्म, करीना के अपोजिट लीड रोल, राइट, एंड रावण अगेन शाहरुख के होम प्रोडक्शन की फिल्म, राइट, इन फिल्म्स के थ्रू अर्जुन रामपाल को इतना पोडियम शाहरुख ने प्रोवाइड कर दिया था कि वो और भी फिल्म्स कर सकते थे, राइट. उन्होंने फिर हाउसफुल फिल्म की, उसमें भी इनको एक अच्छा खासा रिकॉग्निशन मिला. हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड की, उसमें भी अच्छा खासा रिकॉग्निशन मिला. उसके अलावा चक्रव्यूह की प्रकाश झा के साथ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. बट वॉट आई वॉन्टेड टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ एवरी वन इज कि एक एक्टर जो शुरू के 4-5 साल फिल्म्स करता है, कुछ फिल्म को रिकॉग्निशन मिलती है, कुछ फिल्म को रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, बट वो एक्टर एक अच्छी दोस्ती बना करके, एक अच्छे कनेक्शन बना करके कैसे विजिबिलिटी पा सकता है, राइट. 2012-2013 के बाद अगेन हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक कोई भी रिलेशनशिप का एक टाइम फेज होता है, एंड उस टाइम फेज के बाद वो रिलेशनशिप फेड अवे होने लगता है. रावण की शूटिंग के बाद, रावण के डिबैकल के बाद शाहरुख की बहुत सारे लोगों से, शाहरुख वॉज रियली अपसेट विद द डिबैकल ऑफ द फिल्म, एंड शाहरुख की फराह खान से भी प्रॉब्लम हो गई. शाहरुख ने फराह खान के हस्बैंड को भी स्लैप किया, शिरीष कुंदर को, अनुभव सिन्हा के साथ भी काम करना बंद कर दिया, विशाल शेखर को अपनी फिल्म में म्यूजिक लेने से बंद कर दिया, एंड अर्जुन रामपाल के साथ भी उनके कनेक्शन उतने स्ट्रांग नहीं रहे, बिकॉज अगेन ही वॉज रियली अपसेट एंड हिज फिल्म डिड नॉट परफॉर्म वेल. उसमें बहुत बड़ा लॉस भी हुआ रेड चिलीज का, एंड शाहरुख और अर्जुन रामपाल की फ्रेंडशिप एक डिक्लाइन में चली गई, राइट. उसके बाद से, हीरोइन के बाद से, अर्जुन ने और भी फिल्म्स की, डीडे एंड सत्याग्रह एंड रॉक ऑन 2 एंड स्टफ लाइक दैट, बट वो सारी फिल्म्स चली भी नहीं. उन सारी फिल्म्स में अर्जुन रामपाल को रिकॉग्निशन भी नहीं मिला, अर्जुन रामपाल करण जौहर की पार्टी से भी गायब होने लगे, अर्जुन रामपाल को पेपराजी भी कैप्चर नहीं करी, एंड धीरे 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 अर्जुन आज लोग लिटरली बात भी नहीं करते हैं अर्जुन रामपाल के बारे में. मैं 2-3 हफ्ते पहले एक अर्जुन रामपाल का इंटरव्यू देख रहा था जिसमें ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, एंड अर्जुन इज ऑल्सो लॉस्ट दैट शीन, दैट चार्मनेस विच ही हैड. ही वॉज अ डस्की टॉल गुड लुकिंग मैन, राइट, एंड ही हैज लॉस्ट दैट शीन, मे बी बिकॉज ऑफ एल्कोहल, मे बी बिकॉज ऑफ बिकॉज आई थिंक ही इज नॉट वेरी हैप्पी विद द वे हिज करियर हैज प्रोजेक्टेड. सुजैन खान के साथ भी अर्जुन रामपाल का नाम जुड़ा, एंड उनका डिवॉर्स भी हो गया मेहर जसिया उनकी वाइफ के साथ, एंड अर्जुन को लास्ट फिल्म में, जिस फिल्म में मैंने देखा था वो थी पलटन, JP दत्ता की फिल्म आई गई, किसी को नहीं पता. आई डोंट इवन नो कि अर्जुन आज के डेट में क्या कर रहे हैं. एक फिल्म बहुत चर्चा में थी डैडी, जिसमें वो अरुण गावली का रोल प्ले कर रहे थे, अगेन वो फिल्म का क्या हुआ आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया. बट मैं इसी चीज़ पर लाइट शेड करना चाहता था कि शाहरुख खान के साथ जब अर्जुन रामपाल की दोस्ती थी तो ये लैंडेड प्लस प्रोजेक्ट्स, तब उनको एक विजिबिलिटी मिली. कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच हो, चाहे IPL की आफ्टर पार्टीज हो, शाहरुख के साथ किसी भी इवेंट में अर्जुन रामपाल वॉज ऑलवेज 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 देयर, राइट. बट शाहरुख से जैसे ही फ्रेंडशिप खत्म हुई, अर्जुन रामपाल आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं, नहीं एग्जिस्ट करते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता.